मामले में तहकीकात कर रही है। चमालडी मोड़ के पास आपको बता दें ये मामला पेश आया है। आगजनी का ये मामला चमालडी मोड़ में पेश आया है, जहां पर चार गाड़ियां जलकर राख हो गई, कुल छह गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे साथ ही तुलसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुलसी, इस मामले को लेकर के तफसीलात दें, जानकारी दें हमें। जी बिल्कुल मनोजा, देखिए जिस तरह से ये जो घटना घटित हुई है, कुल्लू जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो 2 किलोमीटर दूर जो है गांधीनगर एरिया है, जहां पर ये बीती रात अगर बात करें तो करीब 2:30 बजे के आसपास जो है वो आगजनी की घटना हुई है, जिसमें लगभग आधा दर्जन जो गाड़ियां जलकर राख हुई है, जिनमें से चार गाड़ियां जो है पूरी तरह से राख हुई है, जबकि दो गाड़ियों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। तो पुलिस की तरफ से जो है इस मामले में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की है, और जिस तरह से ये आगजनी की घटना की अगर बात करें तो बड़ा स्तर पर वहां पर नुकसान हुआ है, क्योंकि छह गाड़ियां जो है पूरी तरह से, अगर बात करें तो चार गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, जबकि दो गाड़ियों को नुकसान हुआ है। तो पीड़ितों का भी इस मामले में ये कहना है कि इस मामले में छानबीन की जाए, जिस तरह से ये आगजनी की घटना घटित हुई है, और बीती रात की अगर बात करें तो करीब 2:30-3 बजे के आसपास ये घटना घटित हुई है, और जो पीड़ित है उनका ये कहना है कि लगभग 12 बजे के आसपास जब उन्होंने गाड़ियां जो है खड़ी कर वो घर चले गए थे, उसके बाद करीब 2-2.5 घंटे के बाद जब उनको सूचना मिली तो उस एरिए की अगर बात करें तो ये जो है टेम्परेरी पार्किंग के तौर पर वहां पर लोग गाड़ियां खड़ी करते हैं, जिनमें ये नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस की तरफ से जी बिल्कुल, तो तुलसी का जिस तरह से कहना है कि इस मामले को लेकर के जो है जांच जारी है। बहरहाल तुलसी, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गांधीनगर में आपको बता दें, मोड़ के पास ये आगजनी का मामला पेश आया, जिसमें चार गाड़ियां जो है जलकर खाकसर हो गई, कुल छह गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। यहीं गांधीनगर में रहता हूं, यहाँ से जहाँ यह हादसा हुआ उससे कोई करीब 500 मीटर दूर ऊपर की तरफ को, और यहाँ मैंने, मेरी खुद की रिटायरमेंट थी, मैं बतौर सिविल नाजर अकाउंट्स सेशन कोर्ट कुल्लू में कार्यरत था, तो मैं पिछले काल ही रिटायर हुआ हूँ, और जब मैंने यहाँ अपनी पार्टी का आयोजन किया उस अटल सदन में, जब हम वहाँ से करीब कोई 12 बजे हम यहाँ पहुँचे, हमने अपनी गाड़ियाँ लगाई, हम शाम को अपने घर चले गए, तो ये हादसा को करीब 3 बजे के पास जब हमें इन्फॉर्मेशन आई, क्योंकि मेरे यहाँ जो मेरे गेस्ट भी आए हुए थे उनकी गाड़ियाँ भी लगी हुई थी, और मेरी खुद की अपनी गाड़ी लगी हुई थी, मेरे ब्रदर इन लॉ की भी गाड़ी लगी थी, तो हम जैसे कोई 12-1 बजे हम वापस यहाँ आए, 12-12:30 बजे तो हमने गाड़ी खड़ी करी। तब तक तो कोई सब नॉर्मल था, कोई ऐसे हमें लगा नहीं कि यहाँ कोई आ गया है कुछ, तो हम चले गए, हम फिर रेस्ट कर रहे थे। तो करीब 3 बजे हमें फिर मेरे गेस्ट को फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी हटाओ, यहाँ आग लगी हुई है, आपकी गाड़ी जल जाएगी। तो हम एकदम दौड़े, तो जब हम यहाँ पहुँचे तो उस गेस्ट की गाड़ी तो चलो दूर थी, तो हमें फटाफट वो निकाली, पर मुझे खुद ही नहीं पता था कि मेरी गाड़ी तो पहले ही जल चुकी है। जब यहाँ पहुँचे तो फायर ब्रिगेड वाले भी यहाँ पहुँच चुके थे, तो उन्होंने पानी पूनी डाल के आग तो बुझा दी थी, और बाकी जब मैंने पूरा अपना देखी गाड़ी, तो मेरी गाड़ी के साथ साथ मेरी पीछे आल्टो लगी हुई है, और ये मेरे ब्रदर इन लॉ की गाड़ी है i10, तो ये और साथ में चार गाड़ियां और भी जो पूर्णतः जल चुकी हैं, और दो गाड़ियां जो वो थोड़ा सा पीछे आगे से ऐसे डैमेज हुई हैं,